Subscribe and press the bell icon for latest update. पुराने जमाने में लोग कुल्हड़ में चाय पिया करते थे, लेकिन कुल्हड़ का निपटान करना मुश्किल होता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण उसकी जगह प्लास्टिक के कप ने ले ली। इसके बाद कहा जाने लगा कि ये सबसे बेस्ट है, लेकिन बाद में पता चला कि प्लास्टिक के कप में चाय पीने से 100 तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें से पेट का अल्सर तो बेहद ही आम होने लगा। इसके बाद लोगों ने धीरे धीरे इन कपों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और इसकी जगह फिर कागज वाले कप आने लगे, जिन्हें लोग सेफ मानने लगे। लेकिन अब जब कागज के कप के प्रभाव सामने आए, तो उनसे भी होने वाले दुष्प्रभाव भी सामने साफ साफ दिखाई देने लग गए। अब ऐसे में एक शोध की मानी जाए तो जो भी लोग कागज के कप में चाय पीते हैं, उन्हें एक नहीं बल्कि 52 तरह के कैंसर होने का खतरा बना रहता है। वहीं एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन भी कागज के कपों को बनाया जाता है, उन्हें चिकनापन देने के लिए उनके ऊपर वैक्स की परत चढ़ा दी जाती है, और जब आप इसमें गर्म गर्म चाय पीते हैं तो ये आपकी चाय में घुल जाता है और चाय के माध्यम से ही वो आपके शरीर में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वैक्स आपके शरीर को हर वो नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये अपने आप में ही बेहद दुखद है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में इसका सोल्यूशन तो बस यही है कि आप कागज के कप की बजाय स्टील का कप इस्तेमाल करें, और कंपनियां कप पर मोम लगाने की बजाय कुछ और इस्तेमाल करें, या फिर अगर मोम इस्तेमाल करती है तो कुछ लिमिट से उपयोग करें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest updates.